केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक छंदा रोमित एवं सोबला गांव को संयोग करुथबा मुख्य रास्तार समस्या एटी रास्ता नेउछि जीवन आ सरकार सबु देखी चुप 20 वर्ष हेब गांव को रास्ता टे होई पारि नाही रास्तारे खाल खमा सह छोट बड़ पथर जमी रही विपद संकुल अवस्था थिबा एही रास्ता जोगु विभिन्न समय दुर्घटनार शिकार होउछन्ति अंचलवासी आम दुर्घटना होती चलिया को असुविधा सुविधा नहीं जा हो टे सुविधा कर दियो ना ना आम कथा के सुनना ना कहीं किछु कर ना आ घर द्वार सेमती विशेष अच्छी जे रोया को असुविधा हो जाऊ कौन करू ना सुविधा किछु नहीं किछु मनीष पटे आसबिन आ गया इथि सब अतनु सब जे नाही सब पड़ी खाई जी पड़ी संसार खाई दी से कोटि कोटि टका खाई से किछु रखिनी से लोक खाइला फल किसी रास्ता भी मनीष एपटे आसबे महानदी और पाइका नदी को लगता गाँव गुड़िकर लोके बन्या आसिले आतंकित हो पड़ते सहयोग ग्रामवासी बारंबार सहकारी निर्वाही जंत्री कार्यालय को जनइले मिछ प्रतिश्रुति मिलू रास्ता समस्या उद्वेगजनक हो पड़ता बेले निर्वाचन समय मिछ रंगीन स्वप्न देखा सरकार ठकुवा अभोग देखले लोक मैंने जहाँ भी कम्प्लेन करुते आपड़ जो टिके फोकस करेंगे यहाँ हमारे एनएच नेशनल हाईवे 500 मीटर भी डिस्टेंस हेनी रास्तार अवस्था देखते कौन ये बाटे गाड़ी नहीं गले छोट पिलाठू हूँ वृद्ध लोक हूँ लेडीज मैंने हूँ पड़ कि गोड़ खंडिया है कि कार मुंड फाटुची गोड़ भांगुच प्रॉब्लम हो सेकेंड कथा पाखे नईट अच्छी जलसेचन अवस्था मानने शोचन कृषक मान कम्प्लेन ये सबुरी मूल में गोटे उद्देश्य होची आमे जो लोक को बाछुचे लोकल प्रतिनिधि भाव में सी ठीक से कम कर ये प्राय 25 वर्ष सरकार रही दिन थे पिचु नष्ट बहु कष्ट अच्छे विकास अन्य क्षेत्र में रही कि रास्ता रास्ता घाट कि गाड़ी घोड़ा बहुत एपटे बढ़ी होपटे सबुद लोक मैंने पारादीप ड्यूटी करा रास्ता सब खराब हो बहुत ओजनदार गाड़ी एपटे आ राज्य सड़क योजन विभिन्न स्थान को जोड़ा जाता सरकार कहता बेले अनेक स्थान में रास्ता विभिन्न समस्यार सम्मुखीन होती अंचलवासी एटारे प्रश्न उठू के गांव को हेब कंक्रीट रास्ता केन्द्रापड़ कैमेरामैन सरोज को सह प्रभात लेंका रिपोर्ट अर्कस न्यूज मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची कि आपण से विद्रुत कि तेज आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।